वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, मगर अब तक इस सड़क का कोई बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल वक्त बदल रहे हैं और रफ्तार से बदल रहे हैं, काफ़ी तेज़ रफ्तार से बदल रहे हैं वक्त, मगर इस सड़क का अब तक बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ इस वक्त लेपारादा और लोअर सियांग जिला के अरुणाचल प्रदेश राज्य के रिलगकु के पास जो सड़क बन रहे हैं, जो आकाजान से यानी कि लिखावाली से आलो के जो जितने भी रोड है, 2 लेन अब तक यहाँ बन के तैयार नहीं हुए हैं, अब यूँ कहे तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसी बीच आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो दाहिना तरफ जो अलाइनमेंट किया गया है, और ये जो पुराने रास्ता है, यूँ कहे तो आकाजान होके लिखावाली और आलो की ओर जाते हैं, और इस वक्त हम आलो से लिखावाली की ओर सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ अब तक इतने साल के बाद भी यहाँ सड़क का पूरा निर्माण नहीं हो पाया है। और बता दूँ कि ये जो बाउंड्री है लोअर सियांग और लेपारादा जिला के अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पे एक गांव है, खूबसूरत गांव रिलगकु, और यहाँ देख सकते हैं दूर से भरा हुआ रोड, यहाँ कितना मुश्किल से लोग सफ़र करते हैं। और एक जो नया एलिमेंट बनाया गया है वो आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे, और बहुत काफ़ी लंबे वक्त से चल रहे हैं, मगर कोई यहाँ उन्नति का नाम नहीं चल रहे हैं। आने वाले वक्त में और बरसात के मौसम से पहले उम्मीद करते हैं ये पूरे बन के तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं गांव के जितने भी घर हैं उनके छतों पे धूल से भरा हुआ, और यहाँ देखिए ये मेन रूट है जो पश्चिम सियांग, लेपारादा, लोअर सियांग, अपर सुबनसिरी की ओर जाते हैं, और ये सीयोमी की ओर भी जाते हैं जब आप लिखावाली से आलो की ओर सफ़र करेंगे। फिर भी इस वक्त आप देख सकते हैं जो यहाँ का हालत जो है, इस वक्त का मंजर जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, और जो आप उस पार जो देख रहे हैं वो नए अलाइनमेंट किए गए हैं, और वो जो अलाइनमेंट जो किए गए हैं अब धीमी गति से बन रहे हैं, और मुसाफिर और सफ़र करने वाले सभी लोग परेशान हैं इस रास्ते से। अगर इस रास्ते को सही वक्त पे निर्माण किया जाएंगे तो बिल्कुल कीमती समय बच जाएंगे यात्रियों को। और यहाँ आपको बता दूँ कि जब से बोगीबिल ब्रिज बन चुके हैं वहाँ से काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, और आलो सीयोमी डिस्ट्रिक्ट की ओर, मेचुका की ओर जाते हैं। अब देख सकते हैं ऐसे हालत में यहाँ बड़े बड़े ट्रक लोग जो जाते हैं सामान लेके कई राज्यों में, बहुत मुश्किल से यहाँ सफ़र करते हैं, देख सकते हैं। और ये बरसात के मौसम में जाने की काफ़ी दुविधा होते हैं। लिखावाली से तकरीबन 70 किलोमीटर के दूरी और बासार से तकरीबन 50 किलोमीटर के दूरी पे यहाँ बसा हुआ ये इलाका आप देख सकते हैं, ये जो नई अलाइनमेंट है, जो नए अलाइनमेंट उस पहाड़ की ओर मोड़ दिया गया है। आपको बता दूं कि 2018 में आकाजान से लेकर बाम तक नितिन गडकरी मौजूदा वक्त में भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, यूनियन कैबिनेट के यूनियन मंत्रालय में है, उन्होंने शिलान्यास रखे थे, मगर इतने साल के बावजूद भी अब तक ये ख़त्म नहीं हुआ निर्माण करके। आपको बता दो तकरीबन 90% रास्ता ठीक हो चुके हैं, यही एक जो डेंजर जोन है, यहाँ बरसात के मौसम में भी काफ़ी भूस्खलन होते हैं, और यहाँ काफ़ी यहाँ यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये जो आप ऊपर जो मंजर देख रहे हैं वहीं से अलाइनमेंट एस टर्न लेते हुए ऊपर जाते हैं, और ये जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं ये पुराने रास्ते, ये देखिए बरसात के मौसम में यहाँ जाना मुश्किल होता है। ये सौभाग्य की बात है कि ये सर्दी के मौसम में हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, यहाँ काफ़ी लैंडस्लाइड होते हैं, भूस्खलन होते हैं, तो इसी से आपको पता चल जाते होंगे कि यहाँ कितना मुसीबत का सामना करना पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सड़क भी जल्दी बन जाएंगे, और यहाँ के सिटीजन एवं नागरिकों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे, टूरिज्म बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और यहाँ से ये एक लाइफलाइन है कई डिस्ट्रिक्ट, कई ज़िलों के, और आने वाले वक्त ये बताएंगे कि कितने हद तक ये हो पाएंगे, मनसन से पहले ये बन पाएंगे
या नहीं वक्त ही बताएंगे। वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।